यार पास्ता बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ मतलब लोग अक्सर जब नीचे लिखते हैं रणवीर वो बेक पास्ता की रेसिपी बताइए या फिर वो मैक एंड चीज़ की रेसिपी बताइए, चीज़ी पास्ता की रेसिपी बताइए, मुझे लगता है यार इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना। मतलब कुल मिला के इस कढ़ाई में 10 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। मिलते हैं उस पार 10 मिनट के साथ। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और चीजी पास्ता बनाने के लिए यानी कि मैक एंड चीज बनाने के लिए आपको चाहिए पास्ता। मैक एंड चीज यानी कि मैकरोनी एंड चीज, इट्स अ वेरी अमेरिकनाइज वर्जन। और ये जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये शिफेरी है, एक किस्म की मैकरोनी है। मैकरोनी जो है वो बिल्कुल एल्बो शेप की होती है, ये थोड़ी अपनी टेढ़ी मेढ़ी एल्बो है, बट मैक एंड चीज़ में क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है। और जो रेसिपी मैं दिखा रहा हूँ उसकी खूबी ये है कि आपको पास्ता वास्ता अलग से कुछ बॉयल नहीं करना है, एक साथ सारा काम खत्म। सबसे पहले हर अच्छे काम की शुरुआत होती है मक्खन से। ये गया मक्खन, कंजूसी नहीं करनी। सब्जियां थोड़ा देसीपन डालने के लिए मिर्च, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च अवॉइड कर लीजिए। हमारा वाला तो बिल्कुल नहीं खाता, हमारा वाला तो मिर्च सूंघ के छोड़ देता है। अगर आपका वाला भी मिर्च सूंघ के छोड़ देता है तो मत डालिए फिर, ठीक है जी। थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ बटर में, क्यों, ताकि बटर जो है वो जले नहीं। अब जी बहुत सिंपल है, अगर आप लहसुन डालना चाहें तो थोड़ा डाल सकते हैं, एक डाल देता हूं मैं रफली क्रश्ड। ये गया लहसुन। भाई मैक एंड चीज में ना आई थिंक द बेस्ट वर्जन ऑफ मैक एंड चीज इज लॉबस्टर मैक एंड चीज। मतलब ओ हो, मतलब लंच में खाओ तो फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट तक कुछ खाने की जरूरत नहीं है। मिर्ची बच्चों के अनुसार, कॉर्न चीज और पास्ता बड़ा क्लासिक सा कॉम्बिनेशन है, इसलिए जहां मौका मिले अगर चीज की बात हो रही हो तो कॉर्न डाल दीजिए। यही मौके होते हैं बच्चों को ठोक के सब्जी खिलाने के, यानी कि एक चीज ऐसी दो जैसी उनकी पसंद की और दो चार चीजें अपनी पसंद की डाल दो। सॉल्ट, थोड़ा पानी, सिर्फ थोड़ा सा, नाम भर का, 2 चम्मच, क्यों, फ्लेवर्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, मिर्च गार्लिक अनियन के फ्लेवर्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। इसके बाद इसे पानी उड़ेगा फिर डाल देंगे पास्ता। पास्ता को अलग से बॉयल नहीं करना, सारा कुछ साथ में, और उसके 2 कारण। पहला कारण तो ये है कि जितने भी फ्लेवर्स हैं इन सब्जियों के वो पानी के ज़रिए पास्ता के अंदर चले जाएंगे, और दूसरा कारण ये है कि इसका जो मक्खन है जब उसमें पास्ता रोल होगा ना तो मक्खन जो है वो रोम रोम में बस जाएगा। एंड मैक एंड चीज़ हैज़ टू बी रिच, एकदम रईसों की तरह मक्खन डालना है उसके अंदर। ये ऑरिगैनो पिज्ज़ा के साथ आता है पैकेट में। डन, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब इसके अंदर डालना है जी थोड़ा पानी, थोड़ा मतलब लास्ट टाइम 2 चम्मच डाला था, इस बार 1/2 कप। पानी क्यों, ताकि पास्ता के अंदर पानी का अब्सॉर्प्शन जो है वो शुरू हो जाए। मतलब अब ये देखिए पानी में इतना ही डालूंगा कि जिसमें पास्ता बस ढका जाए। सॉल्ट, सॉल्ट कम क्योंकि बहुत सारा चीज जाने वाला है। क्रश्ड ब्लैक पेपर, अब जो है बेल पेपर काट के रख लेते हैं थोड़ी रंगो रोगन के लिए। रंगो रोगन तो जरूरी है ना भाई, दिखेगा तो बिकेगा, खासतौर बच्चों के लिए। मेक इट कलरफुल। पास्ता को 50% ऐसे पकाना है। 50% क्यों पकाना है, ताकि वो बटर और सारी गाजर कॉर्न का जो फ्लेवर है वो उसके अंदर चला जाए। उसके बाद फिर इसको चढ़ानी है हमने परत दूध की, क्रीम की, रिचनेस की, ठीक है जी। पहले फ्लेवर फिर रिचनेस। कितने अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, देखो कितने अच्छे से समझा रहा हूँ।
फिर आप कहेंगे रणवीर आप बताते नहीं। रणवीर सब कुछ तो बताता है, एक एक छोटी से छोटी बारीकी। पास्ता जो है 50% पक गया ना, ये देखिए, ये बाकी 50% बाद में पकाएंगे। इसके बाद गया जी शिमला मिर्च, कैप्सिकम, फिर मटर, अब इसके अंदर दूध, दूध जो है अलग से उबाल लें, ठीक है जी, वरना सारी सब्जी के साथ दूध फट जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। यहाँ पे टेट्रा पैक वाला यूज़ कर लें, वो थोड़ा स्टेबल होता है, होमोजेनाइज होता है। अब ये है हमारे पास कॉर्न स्टार्च पानी में घुला हुआ, और ये हमारे पास चीज़। अब मैक एंड चीज़ है तो वो डायलॉग तो बनता है ना, हाँ। नमस्कार जी, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और मैक एंड चीज़ बनाने के लिए आपको चाहिए चीज़। ये लीजिए, ये गया चीज़, और ये गया हमारा अरा रूट या कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर। क्रीम भी डाल सकते हैं आप, बट आई प्रेफर कि अगर वो रिचनेस चीज़ से आए तो बेटर है। और मैक्रोनी इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि मैक्रोनी के अंदर घुस जाता ना वो चीज़ सॉस, जब उसको खाते हैं तो एकदम जूसी जूसी लगता है वो। हालांकि शेडर चीज़ जो है उसका इन्वेंशन इंग्लैंड में हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा शेडर चीज़ का प्रोडक्शन और कंजम्पशन अमेरिका में होता है। और क्लासिकली मैक एंड चीज़ जो है वो शेडर से बनता है। अमेरिकन शेडर जो है उसमें अनाटो कलरिंग डाली जाती है जो कि येलो होती है, इसलिए ज़्यादातर मैक एंड चीज़ का कलर अगर आप US में जाएंगे तो येलो होता है। यहाँ पर जब आपने बटर डाला, बटर के बाद प्याज डाला, साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं तो इसका कलर भी येलो हो जाएगा, अगर येलो शेडर नहीं है तो। नहीं तो प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास शेडर नहीं, हम कैसे बनाएं। All I can smell is cheese, oregano and vegetables. आगे आपकी श्रद्धा, जितना कॉम्प्लिकेट करना है करो, है थोड़ा सा पपरिका पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर डालना है डालो, अगर थोड़ी हल्दी डालनी है मैंने बता दिया आपको डालो, और कोई सब्जी डालनी है डालो, अगर दूध नहीं पीते, दूध से एलर्जी है, सोया मिल्क डालना है डालो, ठीक है जी डालो, बट बनाओ ज़रूर। इसका मज़ा वही है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए ऐसे सॉस, एकदम लपेट लेना है चीज़ ने पास्ते को। ओए होए रणवीर तेरी पंजाबी, चीज़ ने पास्ते को। तो बैक एंड चीज़ बहुत है अपने पास, ये वाला पोर्शन बेक कर लेते हैं, दूसरे वाले को बस सिर्फ चीज़ ग्रेट कर लेते हैं ना, ओवन में डाल के आता हूँ इसको। अभी मेरे पास कुछ ब्रेड पड़ी थी जी, ब्रेड को मैंने काट लिया, अब तक वो बेक हो रहा है, मेरे को कुछ तो टाइम पास करना है ना, तो ये ब्रेड पड़ी थी, मैं ब्रेड को सेक लेता हूँ, टोस्ट कर लेता हूँ तवे के ऊपर मक्खन में, ठीक है जी, और इसी मक्खन के अंदर डाल देता हूँ थोड़ा गार्लिक। ये लीजिए हल्का सा ऑयल, ये ताकि गार्लिक का फ्लेवर पूरी डबल रोटी में चला जाए, ठीक है जी, यस डन। अगर आप इसको बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बड़े से बोल में सेट कर सकते हैं, बड़ी सी ट्रे में सेट कर सकते हैं, सेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, और चीज़ डाल के उसको बेक कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, समय बचेगा। उस केस में 180 से 200 डिग्री के बीच में इसको बेक करिए, ब्रॉयल मत करिए, बेक करिए, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है ठंडा होगा, वक्त लगेगा गर्म होने में, ठीक है। बट बर्थडे पार्टीज के लिए फर्स्ट क्लास डिश है, इसका नाम चेंज कर दे, इसका नाम रखते हैं बर्थडे पार्टी मैकरोनी एंड चीज। ओह
इससे एक और कमाल की चीज़ बन सकती है, मैक एंड चीज पिज्ज़ा, अर्थात बचे हुए पास्ता को इस्तेमाल करने का तरीका। देखा एक पैन लेना है, ओए ओए बड़ा टेस्टी है। पैन में डालना है मक्खन उर्फ बटर, ये डाल देनी है मैक एंड चीज, ठीक है। मैक एंड चीज को कर देना है फ्लैट। हम बनाने जा रहे हैं मैक एंड चीज पिज्जा। आपके शहर में पहली बार रोजाना चार शो, ईस्टमैन कलर, मैक एंड चीज पिज्जा, मैक एंड चीज पिज्जा, मैक एंड चीज पिज्जा। ये गैस करो जी धीरे, इसको लगाओ ढक्कन और नीचे से बनने दो क्रस्ट, और जरा चेक करके आओ कि उधर क्या हुआ जहां पे बेकिंग में डाला हुआ है। एंड वन टू एट। क्या आइडिया लगाया तूने रणवीर बरार, और कोई नहीं करता तो खुद ही अपनी तारीफ करते रहो, पर करते रहो, गाड़ी चलती रहनी चाहिए तारीफों की। ओए होए होए ब्यूटिफुल। प्लेट में निकालें इसको, एंड वन, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट नहीं कर सकते हम। वन टू थ्री, ये देखिए तो घूमते फिरते हमारी गाड़ी आके यहाँ पहुंच गई है कि जब बच्चों की बर्थडे पार्टी हो ना नेक्स्ट टाइम, तो बगैर बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे किए बहुत कुछ बन सकता है। एक पास्ता, एक कढ़ाई और उससे बनी हुई दो डिशेस जो किसी भी बर्थडे पार्टी में यूं गायब हो जाएंगे, यूं बनाइएगा ज़रूर। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।